प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पे हैं। आज वे संयुक्त राष्ट्र सभा के 76वें सत्र को संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद वे स्वदेश लौट सकते हैं। देश आने के बाद उनका यात्रा उत्तराखंड के लिए संभावित है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वे उत्तराखंड के केदारनाथ जा सकते हैं। हालांकि संभावित दौरे की तारीख 6 अक्टूबर मानी जा रही है। अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में केदारनाथ मंदिर गए थे, तब काफी सुर्खियों में बने रहे और वहां पे उन्होंने तपस्या भी की थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने 16 सितंबर को ही चार धाम यात्रा पर रोक हटाई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री के जाने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इसके तहत वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए कोरोना की नकारात्मक रिपोर्ट अनिवार्य या पूरी तरह से कोरोना टीकाकरण वाले यात्रियों को ही अनुमति दी गई है। वहीं केदारनाथ के दरबार दिवाली के बाद अगले 6 महीने तक भक्तों के लिए बंद रहेंगे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ जाने की तैयारी में हैं। बीजेपी के एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर से पहले केदारनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां राज्य के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब हो कि 4 राज्य के साथ ही उत्तराखंड में भी फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड भाजपा रक्षा बलों में कार्यरत जवानों के परिजनों तक पहुंचने के लिए अक्टूबर में शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन करने जा रही है। यह यात्रा राज्य में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले आयोजित की जानी है। ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी 2022 के चुनाव को लेकर क्या कुछ वहां पर कहते हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री का यात्रा होता है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।